गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू प्री फाइट पॉडकास्ट फॉर UFC फाइट नाइट, मरीना रॉड्रिगेज़ वर्सेस अमांडा लिमोश। यूजुअली हम लोग देखते हैं कि क्लैश ऑफ स्टाइल्स जब बोलते हैं तो वी हैव अ स्ट्राइकर वर्सेस ग्रैपलर काइंड ऑफ अ सिचुएशन। चाहे दोनों कितने ही अच्छे स्ट्राइकर्स हो, कितने अच्छे ग्रैपलर्स हो, वन ऑफ देम इज़ यूजुअली द वन जो स्ट्राइकिंग में ज़्यादा लीड करते हैं एंड दूसरे यूजुअली ग्रैपलिंग में ज़्यादा बेटर होते हैं। एंड फाइट भी उसी तरफ प्ले होता है एंड इट्स अ मिक्स मार्शल आर्ट्स कॉम्पिटिशन जहाँ पे वन पर्सन विल ट्राई टू एंगेज इन द ग्रैपलिंग, वन पर्सन विल मेंटेन डिस्टेंस एंड स्ट्राइकिंग करेंगे। अनलेस कोल्बी कविंगटन वर्सेस उस्मान जैसा सिचुएशन हो जहाँ पे दोनों एक्सेलेंट ग्रैपलर्स हैं लेकिन दोनों नलीफाई कर लेते हैं एक दूसरे का, तब वी सी ग्रैपलर्स डूइंग स्ट्राइकिंग ऑल द टाइम एंड दैट्स अ ग्रेट थिंग टू वॉच इन इटसेल्फ। हाउएवर ये वाला जो फाइट है, यहाँ पे दोनों बहुत अच्छे स्ट्राइकर्स हैं। मरीना रॉड्रिगेज़ इज़ नोन फॉर हर बॉक्सिंग स्किल्स, शी इज़ अ वेरी हार्ड हिटर। उन्होंने काफ़ी लोगों को रॉक किया है अपने फाइटिंग करियर में। उनका जो स्ट्राइकिंग है, स्पेशली बॉक्सिंग है, वो स्टैंड आउट करता है उनके मोस्ट ऑफ द फाइट्स में। इवन अगेंस्ट द चैम्प कार्ला एस्पर्ज़ा, उन्होंने फर्स्ट राउंड में बहुत डोमिनेट किया था, इवेंचुअली ग्रैपलिंग में वो हारी, बट स्ट्राइकिंग में शी लुक्ड एज बेस्ट एज शी कुड। एंड अमांडा हिबास के अगेंस्ट आई रिमेंबर कि उन्होंने उनको TKO कर दिया था एंड काफ़ी गंदी तरह से हरा दिया था। एंड उसके बाद से मरीना ने काफ़ी अच्छे विन्स लिए हैं अपने करियर में। इफ़ वी जस्ट गो थ्रू देम, वी हैव मिशेल वाटरसन वाला विन विच इज़ अ डिसीजन, मैकेंजी टर्न के अगेंस्ट उन्होंने जीता था फाइट, एंड रिसेंटली उन्होंने यान ज़ायनन के अगेंस्ट 3 राउंड वाले फाइट में उनको डिफीट किया था। तो शी इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द टॉप कंटेंडर्स, रैंकिंग वाइज भी नंबर 3 पे हैं आफ्टर रोज नबियुनास एंड बेली जैंग, जो दोनों एक पॉइंट ऑफ टाइम पे चैंपियंस थे। तो डेफिनेटली ऑल द चैंपियंस एंड देन कम्स मरीना रॉड्रिगेज़ हु हैज़ द पोटेंशियल टू बिकम अ चैंपियन इन फ्यूचर। अगर हम उनके ओपोनेंट की बात करें, अमांडा लिमोश इज़ ऑल्सो अ ग्रेट स्ट्राइकर एंड उनका काफ़ी KO TKO विंस है। इफ़ यू गो थ्रू द मोंटेस सेराट यू रूइस करके एक फाइटर थी जिनको उन्होंने इनिशियली फर्स्ट राउंड में ही नॉकआउट कर दिया था, एंड उसके बाद से एंजेला हिल को उन्होंने स्ट्राइकिंग में हराया था, एंड रिसेंटली मिशेल वाटरसन को उन्होंने सबमिशन में हराया, विच इज़ सम एडिशन टू हर स्किल सेट, क्योंकि वो मेनली स्ट्राइकर थी तो उन्होंने ग्रैपलिंग का भी इस्तेमाल करके एक फाइट जीता, विच इज़ अ ह्यूज डील। मीनवाइल मरीना रॉड्रिगेज़ ने भी कार्ला एस्पर्ज़ा के लॉस के बाद से काफ़ी अच्छा ग्रैपलिंग दिखाया है, ग्राउंड में वो डिसेंट हो गई हैं, ऑल दो वो इनिशिएट नहीं करती बट जब भी ग्राउंड पे जाता है फाइट तो वो काफ़ी अच्छे से डिफेंड कर लेती है। एंड अगर मुझे यहाँ पे ब्रेक डाउन करना हो स्टाइल्स वाइज कि किसके चांसेस मुझे ज़्यादा लगते हैं, मुझे लगता है स्ट्राइकिंग में दोनों एक दूसरे को हर्ट करने के पोटेंशियल रखते हैं। एंड ओवरऑल ड्यू टू माय बायस सॉर्ट ऑफ, क्योंकि मुझे एक फाइटर ज़्यादा पसंद है, आई वुड पिक मरीना रॉड्रिगेज़ टू डू बेटर इन स्ट्राइकिंग, क्योंकि उनका जो बॉक्सिंग है वो बहुत अच्छे से स्टैंड आउट करता है, एंड जब भी वो लैंड करती है तो काफ़ी अच्छे कॉम्बिनेशंस आते हैं। ऑल दो यान ज़ायनन के अगेंस्ट समवेयर वो थोड़ी सी कंप्लेसेंट लग रही थी, बट मुझे लगता है कि शी इज़ एबल टू टफ इट आउट एंड ऑल्सो लैंड स्ट्राइक्स, तो टफनेस एंड स्ट्राइकिंग दोनों का कॉम्बिनेशन इज़ रियली गुड फॉर हर। अमांडा लिमोश इज़ ऑल्सो टफ, उन्होंने काफ़ी फाइट्स टफनेस की वजह से जीते हैं, बट हर कॉम्बिनेशन एंड डिस्टेंस मैनेजमेंट इज़ वॉट गिव्स हर विन्स मोस्ट ऑफ द टाइम। वो बहुत अच्छा टैक्टफुल फाइटिंग करेंगी, एंड अगर वो अपना पेस मेंटेन करे और इनिशियल राउंड्स को थोड़ा सा जीत ले तो लगता है कि शी कैन गेट अ डिसीजन। ऑल दो मरीना रॉड्रिगेज़ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर इनिशियल राउंड्स में वो लेट से एक दो राउंड्स हार भी जाए, लेटर राउंड्स में शी विल रिकवर, शी विल टफ इट आउट, एंड जब टायर्ड रहेंगे तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि मरीना रॉड्रिगेज़ विल बी द वन हु इज़ एबल टू कंट्रोल द फाइट लॉन्गर एंड बेटर। तो अल्टीमेटली आई थिंक मरीना रॉड्रिगेज़ विल गेट इट वाई अ डिसीजन। Of course, she is higher ranked and she is closer to title contention. अगर मुझे कार्ला एस्पर्ज़ा को हराने वाले फाइटर्स में से किसी को पिक करना हो तो मरीना रॉड्रिगेज़ मुझे लगता है कि हरा सकती है, ऑल्दो उनको अपने ग्राउंड स्किल्स पे वर्क करना ही पड़ेगा एंड दैट विल बी अ बिग इशू, बट आई थिंक पोटेंशियल डेफिनेटली है। सो दैट्स फॉर द मेन कार्ड। वी ऑल्सो हैव अ ग्रेट कोमेन इन डैनियल रॉड्रिगेज़ वर्सेस नील मैग्नी। डैनियल रॉड्रिगेज़ ने रिसेंटली केविन ली को हराया था, उसके बाद ली जिंग लैंग को रिसेंटली स्प्लिट डिसीजन से हराया आई बिलीव इन कार्ड UFC 279। नील मैग्नी मीनवाइल काफ़ी
इम्प्रूवमेंट भी दिखा रहे थे. ही डिफीटेड जॉफ नील, माइकल किएसा एंड सब्सिक्वेंटली लॉस्ट टू शफकत रखमानोव, बट मैक्स ग्रिफिन को भी हराया. सो ही इज़ अ वेरी डिसेंट फाइटर इन वेल्टरवेट एंड उनका मेन स्किल सेट इज़ ग्रैपलिंग, बट उनका जो लिम्स है, लॉन्ग लिम्स है, उनको वो बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं स्ट्राइकिंग में भी. कैनियल रॉड्रिगेस मीनवाइल लास्ट फाइट में काफ़ी हैवी लग रहे थे एंड ये वाला जो फाइट है, ही इज़ फाइटिंग एट वेल्टरवेट एंड आई एम एक्सपेक्टिंग हिम टू बी ऑन शेप. वो स्ट्राइकिंग बहुत अच्छा कर लेते हैं, ग्रैपलिंग नॉट सो मच, बट उनको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती मोस्ट ऑफ द फाइट्स में. जैसे उन्होंने केविन ली को हराया था रिसेंटली, तो ही वॉज एबल टू डू डिसेंट ग्रैपलिंग टू अवॉइड गेटिंग टेकन डाउन. ली जिंग लियांग के अगेंस्ट भी वो नेगेट कर पाए थे जो भी ली जिंग लियांग ट्राई कर रहे थे एंड वॉज एबल टू गेट अ डिसीजन. सो स्ट्राइकिंग इज़ वॉट आई वुड एक्सपेक्ट फ्रॉम डैनियल रॉड्रिगेस एंड वेरी फेयर डिसेंट फाइट है. आई वुड पिक नील मैग्नी इन जनरल, बट डैनियल रॉड्रिगेस कैन नॉक हिम आउट एंड ओवरऑल कुछ भी हो सकता है. सो इट विल बी अ फन फाइट. दैट्स ऑल फॉर दिस कार्ड. नेक्स्ट वीक ऑफ कोर्स वी हैव UFC 281 जो बहुत एक्साइटिंग होने वाला है, तो चेक दैट आउट एंड तब तक के लिए एंजॉय द फाइट्स. टेक केयर, बाय.